गाइस, आई एम बबली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से बोल सकते हो कि रेनी सीजन के ऊपर ही और एक ब्लॉग लेके आए हैं। बोल सकते हो कि फोटोग्राफी के बाद ये क्या पार्ट टू है, तो मैं बोलूँगी कि आप बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि उस वाले वीडियोस में बस मैंने अपना फ़ोटोशूट आपको दिखाई थी रेनी सीजन में, अब तो कैसे हम दोनों मॉनसून को एंजॉय करते हैं वो मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। एंड डेफिनेटली इसके साथ मैं ये भी दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह के नेचर का फ़ोटोशूट करते हैं। तो कीप वॉचिंग। गाइज, एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अगर आप मानसून सीजन में नेचर के फ़ोटोग्राफी ले रहे हो तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बहुत खूबसूरत गार्डन में ही आपको अच्छा वाला पिक्चर मिलता है। जैसे कि मैंने ये वाले गार्डन पे अभी आई थी, लेकिन मुझे खास कुछ शूट करने का नहीं मिला, लेकिन कीचड़ में मुझे ऐसा दो पौधे मिल गए जिसके ऊपर बारिश के बूंदे गिर के इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि आपको मैं क्या बोल। तो गाइज, अभी हम लोग आए हैं बालको का काली मंदिर में। ये वाला मंदिर मैंने आप लोगों को दिखाई थी बालको वाला ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हो तो प्लीज़ पुराना वाला ब्लॉग देख लेना, वहाँ पे मैंने शेयर किए थे कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक गार्डन है। लेकिन अभी जो गार्डन है फ़िलहाल न्यू तरीके से वो बन रहा है, जब बन जाएगा तब मैं आपको डिटेल्स में दिखा पाऊँगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे हैं तो मैंने उसके भी पिक्चर्स लिए हैं, एंड थोड़ा बहुत तो मैं आप लोगों से तो शेयर करूँगी, तो आप लोग देखते रहो। Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you. तो गाइस, अभी हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। एंड डेफिनेटली तो मैं जहाँ भी जाऊँगी जो भी करूँगी आप लोगों से इस ब्लॉग में तो शेयर करूँगी। कभी कभार गाइस रास्ते में ऐसा कुछ नज़ारा मिल जाता है जो मतलब मैं कभी भी लेट नहीं करती हूँ उसको कैप्चर करने में। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि दूर पहाड़ दिख रहा है एंड आसमान का जो कलर है ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं कितना मतलब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आसमान का जो कलर है ये कम्प्लीटली अलग है। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं लोकल मार्केट में। बरसात का मौसम है, मॉनसून सीजन में थोड़ा पकोड़ा नहीं खाए तो क्या खाए। It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling. आज मॉनसून का बहुत अच्छा मजा ले रहे हैं हम लोग। अभी पकोड़ा ले रहे हैं, मेरे दोस्त का दुकान है यहाँ पे पकोड़ा तंदूरी समोसा। और इसके बाद कहाँ चले? इसके बाद कॉफ़ी पीने हम लोग निहारिका जाएंगे। तो जो लोग मुझे बालको एंड कोरबा से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, आप लोगों को मैं ये बोलूँगी कि सैम जूस सेंटर करके जो लोकल शॉप में है ना, उसमें प्लीज़ एक बार आप लोग विज़िट करना, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग निहारिका आ गए हैं कॉफ़ी शॉप में। तो अच्छा लग रहा है कॉफ़ी?
बरसात के मौसम में कॉफ़ी तो मतलब 3-4 बार तो हो ही जाता है मेरा। तो ये जो ब्लॉग मैंने अपलोड में करने जा रही हूँ, ये वाला ब्लॉग का एम सिर्फ यही नहीं था कि हम लोग मानसून में कैसे फ़ोटोशूट करते हैं ये दिखाना, बल्कि इसके साथ हम लोग आपको ये मैसेज देना चाहते थे कि चाहे सिचुएशन जो भी है, मतलब मानसून सीज़न में कीचड़ बहुत ज़्यादा है, लोग नहीं निकलते हैं, बरसात में निकलूंगी तो ज़्यादा जुकाम हो जाएगा, ये सब परेशानी रहता है। अभी सीज़न में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रहता ही है, अभी सिचुएशन भी बहुत टफ चल रहा है, लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव साइड है हम लोग को उसी में जीना पड़ेगा, उसी को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, फैमिली को टाइम देना पड़ेगा। फैमिली साल में एक बार ही मानसून सीज़न आता है यार, तो उसको एंजॉय करो, ठीक है। घर पे जितना बैठे रहोगे ना उतना आपको नेगेटिविटी पकड़ लेगी, ठीक है। तो अगर ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ बाबलीज लाइफस्टाइल। तो आज के लिए बस मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके। तो फिलहाल आज के लिए बाय।